और मैं आप लोगों को बकरा मंडी नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने उसका सारा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। हम लोग गए थे बकरा मंडी वेडनेसडे को, मैंने उसका सारा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। वो जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना रश था और वहाँ पर ना नहीं मैं बना सकती थी, बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर क्राउड था, इस वजह से मैं नहीं बना सकी। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फ्री भी हूँ, क्योंकि बाकी ये जो ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इसमें बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। पहले सुबह उठे, ट्यूशन का काम किया, ट्यूशन गए, ठीक है, ट्यूशन से आके फिर हम लोग बकरों को पार्क लेके चले जाते थे, तो ऐसे हम लोगों को चलता रहा, मैं नहीं बना पाई। मैं आज फ्री हूँ तो आज क्यों ना मैं अपना व्लॉग बनाऊँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने बकरे जो हम लोग कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं, और मैं जो हूँ तैयार हो चुकी हूँ, उड़ चुकी भी थी मैं 12 बजे, बिकॉज द रीज़न इज़ मैं सही रात नहीं सो पाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, उसके बाद मैंने अपना स्कूल का काम किया, उसके बाद मैंने लेट के फिर मेरे दादा बाबू के साथ मैं अपने जो बकरे थे वो बाहर करवाए, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठी बकरों के पास, फिर मैं अंदर आके सो गई। तो मैं उठ चुकी थी 12 बजे, 6 बजे मैं सोई थी और 12 बजे मैं उठ चुकी थी, और अब टाइम हो रहा है 1:18 टाइम हो रहा है। और चलो नीचे चलते हैं और मैं आपको अपने बकरे भी दिखाती हूँ, लेट्स गो। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, इसलिए मैं चीज़ भी लेकर आई थी, बंटी में 2 लेकर आई थी, एक मैंने खा लिया और ये अब ये बची। और जो पम पापड़ होते हैं वो बहुत स्पाइसी होते हैं। कल हम लोग पार्क गए थे और हमारे पास पानी भी नहीं था और मैं पम पापड़ लेकर गई थी। मैंने अपने दोस्त के साथ चैलेंज लगाया कि हम लोगों ने एक साथ खाने पम पापड़ और हम लोगों ने नो रिएक्शन ही देना हम लोगों ने, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपना रिएक्शन कंट्रोल किया। रिएक्शन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो मिर्ची थी ना वो नहीं कंट्रोल हो पाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे भी मिर्ची लगने लगी है। आज भी हम लोग ना खुद ही चैलेंज रख लेंगे कि नो रिएक्शन, खुद अपने साथ ही, क्योंकि मेरे पास जो दोस्त है ना वो तो अंदर सो रही है अपने घर, तो नहीं उठा सकते क्योंकि वो रात को लेट सोई थी। मुझे जो हमारे नेबर्स हैं वो बता रहे थे कि वो हमारे घर नहीं थे, वो 3-4 घंटे हमारे घर ही थे, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो लेट सोए हैं। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा लेट सोई हूँ, सुबह कौन सोते हैं। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके मैं आप लोगों को अपने सारे बकरे दिखाती हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये एक बकरा है जो अपने कानों को बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं देता, बहुत ठुड्डे मारता है, और ये देखिए यहाँ पर ये आके खड़े हो गए। एक ये बकरा, उसके बाद आते हैं इसमें जो कि इसमें इंजन लगा हुआ है, वो सुपर जो कार नहीं होती उसका उसका इंजन लगा हुआ है इसमें, इतना तेज तेज भागते हैं। ये बकरा नीला बकरा बहुत प्यारा है। और तीसरा तीसरा बकरा ये है जो कि भी सर नीचे किया हुआ है इसने। मेरा बकरा तो ये वाला है बकरे, ये एक ये बकरा है, ये देखिए फिर सुनती हैं बात। तीसरा बकरा ये, और चौथा ये सोया हुआ है, ये इसको नहीं उठा हुआ, ये देखिए ये चौथा बकरा उठ गया। तो कैसे लग रहा आपको हमारे बकरे, और आज हम लोगों ने इनको पार्क भी लेके जाना है। अब पता नहीं कौन से हम लोग प्याला पार्क जाते हैं या आमना पार्क जाते हैं, क्योंकि कल जिस हम लोग पार्क में गए थे वहाँ पर तो सही खेला नहीं गया इन लोगों से। वैसे तो मैं बकरे ही संभाल रही होती हूँ, तो ये देखे ये पीछे से मुझे क्या कह रहा है, इसमें दिखाती हूँ मैं आप लोग। एक वो जा रहा है और एक ये है, ये भी जा रहा है, पता नहीं क्यों व्लॉग में आते नहीं है, क्या मसला है इन लोगों का। अब मैं आपको मिलती हूँ बाद में थोड़ी देर तक, जब खाना भी खाना खाते हुए मिलती हूँ मैं आपसे। वैसे तो खाना हमारा बन गया, लेकिन अभी चावल से फ्राई गए हम वो बनाते हैं, मेरी मम्मा बना रही है, फिर खाने वक्त मैं आपको मिलूँगी। तो जो खाना जो है वो लग चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या। लेकिन ये दही सलाद, ये सालन, ये आलू गोश्त का सालन, और साथ ये मटर वाले चावल। एक मिनट, कले तो आलू गोश्त का ही है ना जी, आलू गोश्त का ही है। तो अब हम लोग खाते हैं खाना, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, यही मेरा नाश्ता है। अब मैं आपको खाना खा के नहीं, चीनी वाले पापड़, चीनी वाले पापड़ आज मैंने मुँह के पापड़ चढ़ा लिए।
तो अब हम लोग जा रहे हैं शालामार और चलते हैं वहाँ पर, मैं आपको उसका भी व्लॉग दिखाती हूँ और व्लॉग है उसका भी चाय दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने वो चैलेंज तो कर लिया था और हम लोग नहीं गए शालामार, तो अब हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। आया मैं ऐसे बोल।